रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सिंपल 40 प्लस लुक शेयर करने वाली हूँ। जो कुछ एज वाली खवातीन आ जाती हैं तो आप जो है ना उनके साथ किस तरह से आप उनकी आइज़ लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा न्यूड शेड नहीं उठाने, बहुत ज़्यादा लाइट से शेड उठाने हैं। तो हमने जी यहाँ पर आपके सामने ही मैंने एक क्रीज लाइन पर लाइट पीची सा कलर ब्राउन मिक्स एंड मैच करके तो मैंने यहाँ पे क्रीज को फिल अप कर लिया है। और इसके अलावा जी छोटे ब्रश के साथ क्रीज लाइन को अच्छे से बिल्ड अप करना है, और छोटे से ब्रश के साथ हम अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे। बिल्कुल हमने थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ज़्यादा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत हैवी लुक हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट पार्टी फंक्शन के लिए लुक हमने क्रिएट करनी है। तो हमने जी ब्राउन लाइट सा न्यूड सा जो शेड होता है बिल्कुल लाइट सा, तो वो हमने जी क्रीज के ऊपर हमने फिलअप कर लिया। तो ये ब्राउन सा कलर है, कॉपर कलर है ये, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया जी, अपने बोल वाले जो एरिया है ना, जो आइज़ बोल होती है, ठीक है, यहाँ में हमने फिंगर की मदद से ये डस्ट कलर था तो इसको हमने जी लगाया, और एप्लीकेटर से अच्छा रिज़ल्ट इसके साथ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने कोशिश किया कि इसके साथ भी मैं आपको लगाना बता दूं, क्योंकि यह तो हर किसी के पास होता है एप्लीकेटर। अगर आप फिंगर से नहीं लगा सकती कोई भी शेड और आप इसके साथ लगा सकते हैं, कोई लड़कियाँ ब्रश भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैंने जी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ, और वीडियो को मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप भी नहीं किया, और ना ही मैंने इसको जल्दबाजी में लाइनर आपको आराम सुकून से मैं लाइनर लगाना आपको बता रही हूँ। ये जेल आईलाइनर है जो मैंने बिल्कुल वाटर के साथ, मैंने थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप्स, आप एक्वा जेल आईलाइनर है तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 ड्रॉप पानी के डालकर और उसको मैंने मिक्स करके इस तरह से छोटे से ब्रश के साथ जो आगे से बिल्कुल पतला सा हो, हमने उसके साथ जी इस तरह से विंग क्रिएट कर लेना है। और ऐसी आइज़ के बहुत ज़्यादा हमने ऊपर नहीं लेके जाना, जस्ट हमने थोड़ा सा बाहर निकाल कर साथ ही हमने मर्ज कर देना है इस तरह से। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये जो है हमने ये लाइनर यहाँ पे लगा लिया, और इसके ऊपर बिल्कुल लाइट सा डल गोल्ड जो आजकल शिमरिंग के जो लाइनर चले हुए हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लाइनर के ऊपर आप लगाएं तो ये देखें ये वाली लुक आपको कैसी लग रही है। तो आपने भी अगर कोई किसी का थोड़ी सी 50 प्लस या 40 प्लस की कोई आ जाए तो आपने बिल्कुल लाइट लाइट से शेड आपने पिक करने हैं। बहुत ज़्यादा आपने हार्श कलर या बहुत इस तरह के कलर नहीं उठाएंगे, वो जो उनसे ना अगले बंदे को भी थोड़ा सा लुक डिफरेंट सी और अजीब सी नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने बहुत सॉफ्ट ये शेड और बहुत सॉफ्ट लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो हमने जी क्या किया जी, एक लाइनर लेकर हमने जी नीचे वाली लोअर लैश लाइन पर हम इस तरह से लगा लेंगे, और इसको जी मैंने ब्राउन कलर के साथ अच्छे से मर्ज कर दिया। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, आइज़ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी ही गॉर्जियस सी लुक आती है, बहुत एलिगेंट सी और बहुत ही सॉफ्ट सी ये लुक है। तो आपने क्या करना है जी, इसी तरह से आपने नीचे लगा के आपने एप्लीकेटर की मदद से गोल्ड कलर के साथ ब्राउन कलर के साथ आपने इस तरह से मर्ज कर लेना है, और इनर कॉर्नर के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे आपने डल गोल्ड इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।